लगा 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 जल्दी पकड़ चुप चुप उठा 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 उठा, उठा, उठा। चल 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 अरे ये क्या कर रहे हो ये क्या कर रहे हो अरे इसलिए रुमाल लगाया था हटाने के लिए पानी पिलाओ कुछ दवाई दिलाओ ऐसे मुंह पे रुमाल कौन लगाता है दवाई लगा के आंटी मैं तो देख लो मैं अपना चेहरा थोड़ी दिखाऊंगा अगर मैं कोई ऐसा लगाऊंगा तो आप छोड़ दो मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ आंटी ऐसे कैसे डॉक्टर के पास ले जाओगे इसकी हालत देखी है अरे हाल तो मैं डॉक्टर आंटी इसे मुझे दो मैं लेके जाऊंगी डॉक्टर आंटी बहन मेरी है तुम कैसे ले जाओगी बेमतलब की हाँ हमारी बहन होती तो ऐसे लेके जाते तुम अरे चोरों के जैसे उसकी तबीयत चोर कहाँ से दिख रहा हूँ तुम्हें मैं चोर दिख रहा हूँ उसकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए लेके जा रहा हूँ मुंह पे तुमने गमछा बांध रखा है बच्चे को उसको तुमने देखो दवाई सुनाई देखो बिल्कुल दवाई नहीं आंटी वो मेरी बहन है छोड़ दो आप मैं ले जाऊंगा ऐसे कैसे छोड़ दो इसको मुझे दो इधर ये तुम्हारी बहन है तो ऐसे नहीं ले जाते बहन को बहन को ऐसे लेके जाते इसकी तबीयत खराब हो रही है बिठा दो चलो बिठा दो यहाँ बिठा दो पत्थर के सारे गिर जाएगी नहीं 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 गिरेगी आप बिठा दो बिचारे आंटी उसकी तबीयत खराब हो रही है मैं उसको लेके कहीं थोड़ी जा रहा हूँ तो कहाँ लेके जा रहे हो बताओ मुझे आंटी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मैं इसे तो हॉस्पिटल मेरे भाई मुझे ये बता बाइक पे कौन ले जाता है ऐसे चोरी छुपे तो कार में ले जाके कार नहीं है हम पे तुम तो डकैतों वाले काम कर रहे थे उसके मुंह से झाग आ रहा था रुमाल वुमाल कुछ नहीं लगाया बस हाथ से झाग रोक रहा था मेंटी उसकी तबीयत खराब है तुम उसको बिचारे को देख लो इसको पानी पिलाओ होश में लाओ इसको मैं पूछती हूँ इससे अभी कौन है ये आंटी आप उसको मत हाथ लगाओ क्यों नहीं लगाऊं उसको क्यों आप मेरी बहन है और तुम्हारी कुछ लग रही है मैं ले जाऊंगा छोड़ो अरे तो मैं ले जाऊंगा आंटी मैं ले जाऊंगा कैसे लेके जाओगे उसको आंटी उधर उसको छोड़ो उसको छोड़ो तुम्हारी बहन है तो आपको ऐसे लेके जाता है हॉस्पिटल के लिए लेके जाऊँ उसकी तबीयत खराब हो रही है आंटी नहीं हॉस्पिटल मैं ले जाऊंगी तुम्हारी जरूरत नहीं है मैं ले जाऊंगी तो और दो चार लोगों को बुलाती हूँ यहाँ पे इकट्ठा करती हूँ सबको आंटी इकट्ठा मत बोलो सुनो आंटी ऐसे मत बोलो सुनो क्यों नहीं कह रही सुनो मैं एक बात सुन मैं ऑब्जेक्शन क्यों है ऑब्जेक्शन दो नंबर का काम कर रहे हो तभी तुम्हें ऑब्जेक्शन है ना ऐसा आंटी कोई काम नहीं कर रहा सुनो तो लो आप लो ये 15,000 रुपए 15,000 रुपए सुनो आंटी रख लो अरे ये मुझे पैसे देगा आंटी तू उल्टा काम कर रहा लड़की को आंटी बहन है वो मेरी मेरे को पैसे दे रहा है बहन है वो मेरी आंटी वो बहन सुन तो लो आंटी रख लो बहन है तो ऐसे तू मुझे पैसे देगा किसके किस चीज के पैसे दे रहा है अब बहुत देर हो गई मैं तुझे प्यार से कह रहा हूँ तेरे साथ गलत हो जाएगा इसके चक्कर में अपनी कोई परवाह नहीं है कि हाँ तो मैं जो पैसे उसको छोड़ दे मैं लेके जाऊंगा मुझे तो तुम शक्ल से चोर चक्के डाकू मवाली लग रहे हो मेरी बहन आप उसे छोड़ दो आप छोड़ दो अरे इसको छोड़ दे कहीं मैं तेरे को बता दूं अरे कोई नहीं तो मुझे बता दे इसे तू छोड़ क्या कर रहा है जा यहां से निकल निकल यहां से मेरी बहन है जब उसकी हालत देख रही हो बुला लो किसको बुलाऊं उसकी हालत देख रही हो तुम बुलाऊं सच्ची में बुलाऊं अभी किसी को मेरी बहन है उसका नाम अंजलि है मैं तुम्हें बता दिया अंजलि है तो क्या करूं अंजलि को अभी उठाती हूं अंजलि ए बेटा अंजलि बेटा बता ये कौन है जानते हो इसको नहीं जानती ये देखो आंटी भाऊ मैं तेरे भैया हूँ ना उसकी याददाश्त में कमजोरी है आंटी उसकी याददाश्त में कहाँ से याददाश्त इसकी कमजोर लग रही है आंटी वो याददाश्त चली जाती है वो मेरी बहन है कहाँ याददाश्त चली जाती है छोड़ दो मैं आ चल घर चल मैं अभी दोबारा पूछवाती हूँ बेटा ये कौन है भाई है तुम्हारा हेलो वो तो मना कर रही है कि मेरा भाई नहीं है अब आंटी देख लो इधर ये काम कर रही थी झाड़ू लगा रही थी इसकी तबीयत खराब हो गई मैं नहीं जानता मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ मेरी बहन जैसी है मतलब ये तुम्हारी बहन नहीं है ये मैं जानती हूँ तुम बोल रहे हो झूठ इसकी तबीयत खराब हो गई झाड़ू लगा रही थी यहाँ पे काम करती हो यहाँ पे तुम झाड़ू लगा रही थी आप यहाँ पे बस ये मेरे लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल इसकी तबीयत खराब हो गई थी नहीं तू लेके चल कहाँ पे रहते हो चल हॉस्पिटल तुम क्यों जाओगी क्यों मैं क्यों नहीं जाऊंगी मैं कह रहा हूँ आंटी मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ उसे मेरे को दे दो अरे क्यों मुझे पैसे देगा आंटी पब्लिक इकट्ठी हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ पब्लिक इकट्ठी हो रही तो पब्लिक तो देखेगी ना अगर तुम उल्टा काम करोगे तो इस बच्ची को तुम दवाई सुंघा के लेके जा रहे हो आंटी मैंने ना कोई दवाई सुंघाई ना मैंने कुछ करा वो मेरी बहन है जब मैंने आपको बता दिया उसके बाद भी आप नहीं समझ कोई दवाई नहीं सुंघा था किसने कहा तुमसे किसने कहा दवाई सुंघाई नहीं है दवाई सुंघाता है मैंने उसको मुझे थूक आ रही थी वो लगा रहा था लो सुनो आप पैसे रखो आप ले जाओ अरे तू पागल हो गई मेरे को पैसे दे रहा है 420 झूठ है मक्कार इस बच्ची को लेके जाएगा यहाँ से आंटी लोग देख रहे हैं लोग देख रहे हैं तो देखने का तेरा काम ही ऐसा है तो तुम मार क्यों रही हो सब देख रहे हैं इधर मुझे ये पैसे देगा मेरे को ले पकड़ अपने पैसे पकड़ मैं पुलिस को फोन करती हूँ अभी ये बच्ची को लेके जा रहा है आंटी पुलिस को क्यों फोन कर रही हो पुलिस को क्यों ना करूँ इस बच्ची को लेके जा रहा है कहाँ लेके जा रहा है बताएगा ना वो जब डंडे मारेगा ना तेरे अच्छे तरह बताएगा तेरे को
आंटी सुनो, पुलिस को फोन मत करो। सुन आंटी, पुलिस को मत फोन करो, वो मेरी बहन है। मुझे तो नहीं लग रही तेरी बहन है। बाबू बता, सच सच बता, आंटी मेरा भाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ये आंटी, नोट नकली नकली नोट है, पहले चेक कर लो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बहन ही है। हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखो सामने ना हमने कार के अंदर कैमरा लगा रखा है। अब जो इतनी पब्लिक निकल के जा रही, देख रही है, किसी ने हेल्प नहीं करी ना इस लड़की की, या किसी को सुनाई आया हो ना हो, पर आपने देखा और एकदम से वो मूवमेंट देखा जिस टाइम में आपको हेल्प करनी चाहिए, आपने हेल्प करी। तो हम यही पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि जो भी चीज़ अभी हुई है, जैसे मतलब ऐसा होता, बच्चों को ले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेता डर के हमारे, पर आप एक अकेली औरत होकर एक्शन लिया। तो ये हमारी टीम में हमारी बहन है और हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप हाई कर दो। अरे भाई ऐसा मत किया करो भाई, तुम तो सच्ची में डरा देते हो दूसरे को। आंटी डराने बहन है मेरी, मतलब ये बहन है तो भी ऐसे करो नहीं, एक्सपेरिमेंट मतलब अब देखो आपने हेल्प करी, कोई कोई करता है ना। हाँ तो यही जो यही तो मैं बताना चाहता हूँ, हर कोई को हेल्प करनी चाहिए। आप भी तो ये बोलो ना, हर कोई सभी को हेल्प करनी चाहिए, अगर रस्ते में कहीं ऐसा देखे तो जरूर आगे आना चाहिए। आंटी इस वीडियो को डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल डाल सकते, और काम भी आएगी, लोगों को पता पड़ेगा।